फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस न्यू वीडियो में। एलिस सिया द फ्यूचर ऑफ वेब थ्री इज हियर। ये एक न्यू प्रोजेक्ट आया हुआ है, बिल्कुल कैटली एयरड्रॉप की तरह है। कैटली एयरड्रॉप में हम लोगों ने काफ़ी टाइम तक, लगभग 3 से 4 महीने तक अर्निंग की थी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। उसके बाद कैटली कुछ टाइम के लिए भी हट गया है और उनकी तरफ से यही अपडेट है कि वो फ्यूचर में अपने कॉइन्स को एक्सचेंज पर लिस्ट करेंगे और जिनके वॉलेट में जितने जितने कॉइन्स हैं वो सभी लोग उसका विड्रॉल ले पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कैटली स्टॉप है और यहाँ पे हम लोग एलिसिया सेम एज कैटली पे हम लोग यहाँ पे है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसमें लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री में काम करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आप लोगों ने यहाँ पे भी। तो रजिस्टर पे हम लोग क्लिक करते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फुल नेम देना है, ईमेल एड्रेस डालना है, न्यू पासवर्ड और पासवर्ड और कैप्चर यही वाला सेम यहाँ पर डाल देंगे और रजिस्टर न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ इतना करने पर आपका अकाउंट इसमें बन जाने वाला है और आगे आपने क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं सब आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। जो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आपको ज्वाइन करना है। जैसे रजिस्टर बटन पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लेम योर रिवॉर्ड लिखा हुआ है, योर बाइनेंस का USDT BP20 का यहाँ डिपॉजिट एड्रेस डालना है और रिवॉर्ड को हमने कर लेना है क्लेम, ठीक है। दोस्तों बाइनेंस है USDT BP20 का मैंने एड्रेस यहाँ पर डाल दिया है, क्लेम योर रिवॉर्ड पर करते हैं क्लिक, देखते हैं यहाँ पे आप क्या होता है आगे। और उसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रॉप रिवॉर्ड, तो यहाँ पे बाइनेंस वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है और एड्रॉप रिवॉर्ड 1275 इलियासर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इलियासर अनलीजिंग द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, तो ये यहाँ पे चीज़ें आ चुकी हैं निकल के। अब हम लोग किस तरीके से यहाँ पे माइनिंग करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे अपकमिंग वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को 1275 इलियासर मिल चुके हैं, ये आपको भी मिल जाएंगे और ये ऑटोमेटिक स्टैकिंग पे लग भी जाएंगे। और जैसे हमें केटली पे मिलता था परसेंटेज, वैसे ही हमें मिलेगा। तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज़ें भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाई, ये जो ऑप्शन है ये 20 सेंटर वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने पे आप देखेंगे यहाँ पे 2.5% का डेली रिवॉर्ड हमें मिल रहा है हर 24 घंटे में, आके एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और 2.5% हमें मिलता रहेगा दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, जो मिनिमम हम स्टेकिंग कर सकते हैं वो 42.5 इलियासा से लेके इतना 212 इतने बार 0 इलियासा हम लोग स्टेकिंग कर सकते हैं। अगर आपको स्टेकिंग करना है तो आप स्टेकिंग पे क्लिक करके, जैसे मान के चलिए आपने कॉइन कमा लिए है ना, या फिर आपने कुछ लोग हैं जो परचेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको परचेज़ करने के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं, ठीक है, मर्जी है आपकी। लेकिन यहाँ पे ये मैं आपको सिर्फ फ्री माइनिंग का बता रहा हूँ कि फ्री में कैसे अर्न करेंगे। तो स्टेकिंग का यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी कॉइन्स आपने फ्री में अर्न किए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस में वो आ जाएगा और यहाँ पर वो अमाउंट आप डालेंगे, ये अमाउंट यहाँ आप डालेंगे अगर आप 42 से ज़्यादा हो जाते हैं तो, और उसको अर्न नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आप जितना भी होगा वो आपका यहाँ पे मतलब स्टेकिंग पे लग जाएगा और डेली अनस्टेक्ड होगा और 24 घंटे बाद। तो आप अनस्टेकिंग बैलेंस को सेल भी कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वॉलेट पे ऑप्शन पे आप जाएंगे, वॉलेट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। वॉलेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आप बाय करना चाहते हैं तो बाय बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से अगर आप कुछ $1, $2, $5 या $10, $20 जितने अगर आपकी छोटी मोटी कैपेसिटी है तो यहाँ पे आप है ना $1 में आपके 425 इलियासा आपको मिलते हैं। क्लिक ऑन परचेज बटन, ट्रांसफर एनी फंड प्रोवाइडेड, तो है ना परचेज बटन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना फंड ट्रांसफर करके यहाँ से इलियासा को बाय भी कर सकते हैं। ये तो हो गया बाइंग ऑप्शन। अब मैं आपको सेल ऑप्शन दिखा देता हूँ। सेल इलियासा पे आप क्लिक करेंगे, सेल इलियासा पे क्लिक करते ही आप मिनिमम 500 कॉइनों को सेल कर सकते हैं। जैसे आप 500 कॉइन यहाँ लिखते हैं तो आप देखिए 1 US और यहाँ पर आप सेल बटन पर क्लिक करेंगे तो जो USDT आपने यहाँ पे ये रिसीव दिया है बाइनेंस एड्रेस, इस पर आपका 1 USDT चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे 50,000 इलियासा कमा लेते हैं और इसको आप सेल करते हैं तो आपको 100 USDT बाइनेंस पे पहुँच जाएगा। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया दोस्तों कि किस तरीके से इसमें आपको करना है, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शन है मैं वो भी आपको इसमें दिखा देता हूँ। एक्सपेंड अर्निंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लेवल अर्निंग अर्न कर सकते हैं। स्टार्ट योर इनवाइट फ्रेंड एंड मेंबर ऑफ द इलियासा कम्युनिटी एंड सुपर चार्ज योर अर्निंग नाउ, यू विल रिसीव रिवॉर्ड कमीशन इस टाइम समवन योर रेफरल मेक्स टोकन परचेज, द मोर यू इनवाइट द मोर यू अर्न इट विन फॉर एवरीवन, ठीक है। तो ये आपका 10 लेवल तक की ये अर्निंग है यहाँ पे, तो किस तरीके से मिलेगी वो सारा आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और फ्री में अर्निंग कर सकते हैं, और अगर आप छोटा मोटा $1 या $2 या $3 को कुछ परचेज करना चाहें छोटा मोटे अमाउंट का, वो आप अपने रिस्क पे करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली इस तरीके से विड्रॉल मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ सेम एज इट इज़ कैटली है और आपको इस सिंपल सा रिवॉर्ड मिल रहा है, फ्री में अर्न करना चाहें फ्री में अर्न करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट
तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। तो क्लियर हो गई होगी वीडियो, सारा प्रोसेस आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, बाइंग का, सेलिंग का और स्टेकिंग का सारा प्रोसेस आपको मैं बता चुका हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।